रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बताया है कि आपने किस तरीके से ट्रेडिंग का भी मेथड बताया। अलबत्ता जो लोग परेशान हैं कि हम डिपॉजिट तो कर बैठे हैं हम बैंक से और विड्रा नहीं हो रहा, तो विड्रा किन किन मेथड से आप करवा सकते हैं वो मैंने आपको बताया है। अगर आप उस पर अमल कर लेते हैं, अगर परेशान हैं तो वो आप देख लें। और उसके अलावा जो भी मैंने लाइव यहाँ पर प्रॉफिट लिए अभी के अभी, वो भी आपको दिखा देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। और आर्डर लगाया है, टेक प्रॉफिट है, और स्टॉप लॉस के बारे में बता दिया है, टेक प्रॉफिट कैसे लगाते हैं वो भी बता दिया है, और किस पेयर के ऊपर की है वो भी आपके सामने, और प्रॉफिट भी आपके सामने है। तो ये 2-3 मिनट में होंगी जो भी प्रॉफिट आपके सामने होगी, तो आपको पता चल सकेगा कि आप किस तरीके से आसानी के साथ प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको बिल्कुल वाजिया पता चल जाएगा और आप इंशाल्लाह उससे आपको कुछ ना कुछ हासिल होगा। इसलिए वीडियो को देख लेंगे तो आपका भला हो जाएगा, और मेरा भला तब होगा जब आप इस वीडियो को देखकर लाइक कर देंगे। आपको कुछ ना कुछ अगर इस वीडियो में मिलेगा तो आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे, और लाइक वैसे भी बनता है क्योंकि मैंने आप लोगों की सामने जो ट्रेडिंग लगाई है छोटी सी, एक दो मिनट के लिए, वो कैसे स्टॉप लॉस कैसे सॉरी टेक प्रॉफिट कैसे लेते हैं, और लाइव थोड़ा सा जितना भी प्रॉफिट है वो कम ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं और उसके बाद लाइक ज़रूर कर देना है। ठीक है, रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि टोपी हो गया हमारे साथ, पाकिस्तानियों, इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। तो वो कमेंट्स इसलिए कर रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि हमारे साथ धोखादेही हो गई है ओक्टा एफएक्स की तरफ से, कि ये मुझे सॉरी हमें बैलेंस वगैरह नहीं प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो देखें, उन्होंने बताया कि ये आरजी तौर पर है। ठीक है, इस मसले का हल निकल जाएगा, इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। अगर आप वहाँ पर जब करते हैं, मतलब विड्रॉ करवाते हैं, तो वो पाकिस्तानी बैंक्स को नहीं मतलब के प्रोवाइड करने के, पाकिस्तान के अंदर ये अवेलेबल नहीं है। तो ये एक नॉर्मल इशू है, और जल्दी इसका मतलब हल निकल जाएगा। तो क्योंकि ओक्टा बैंक से काफ़ी इस पे जो क्लाइंट वगैरह आ गए हैं, ट्रैफिक ज़्यादा आ गई है, ह्यूज ट्रैफिक की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी इस काम को नहीं भी सीखते तो कुछ ना कुछ निकालते ही रहते हैं प्रॉफिट वगैरह, तो फिर वो लेने देने करते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती हैं। मतलब कि आपको भेजने में बैंक सिस्टम थोड़ा स्लो होगा, तो ये चीज़ होती है। तो आपने घबराना नहीं, वो आ सकता है। अगर आपको ज़्यादा ही इंतहाई ज़रूरत है कि हमने निकलवाने हैं, तो मैंने तकरीबन इस पे वीडियो एक बनाई थी परफेक्ट मनी से। ठीक है, हाउ टू डिपॉजिट ऑन एक्टाफेक्स विद परफेक्ट मनी, तो इस तरह का कोई टाइटल वगैरह होगा। अगर आप चैनल को विज़िट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से देख लें कि वो परफेक्ट मनी से आप किस तरीके से, परफेक्ट मनी से अगर आप लेते हैं तो वेरिफिकेशन आपकी मतलब कि सेम नेम वगैरह होना चाहिए जो कि ओक्टाफेक्स के ऊपर है, तो विड्रा भी वो उधर से मिल जाएगा। अलबत्त वो फीसेज़ वगैरह होती हैं थोड़ी सी, अगर वो फीसेज़ कम करवाना चाहते हो तो आप वहाँ पर ओक्टाफेक्स सॉरी परफेक्ट मनी और कैशमेल जो कि पाकिस्तानी वेबसाइट है, कैशमेल एक्सचेंज है, वो बहुत अच्छी है वेबसाइट कैशमेल, तो वो कैशमेल के थ्रू आप निकलवा सकते हैं। पहले तो आप ऐसे करेंगे ना, ओक्टाफेक्स से परफेक्ट मनी में ले जाएंगे, और उनकी फ़ीसेज तो थोड़ी सी कम है, लेकिन आपने वेरिफिकेशन करवा लेनी है अपनी, उसके बाद और मज़ीद जो फीसेज वगैरह वो कम हो जाएंगी। उसके बाद आ जाती है, फिर आपने परफेक्ट मनी से आपने ओक्टा सॉरी कैशमाल के अंदर लेके जाना है बैलेंस को। ठीक है, कैशमाल के अंदर कैसे लेके जाना है, बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह पड़ी हुई हैं, आप आसानी से करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप फीसेज कम करवाना चाहते हैं, उसकी आपने वेरीफ़िकेशन करवा लेनी है। ठीक है, अकाउंट की जैसे ही वेरीफ़िकेशन हो जाएगी, वो ई मेल वगैरह जैसे ब्रोकर वगैरह करवाते हैं आपकी वेरिफिकेशन, वैसे ही होगी वेरिफिकेशन। ठीक है, तो घबराना नहीं है, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उधर से थोड़ी सी फीसेज लगेंगी, अगर वेरिफिकेशन हो जाती तो कम फीसेज वगैरह लगेंगी, तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, ये मैं सोच रहा था कि पाकिस्तानी भाई हमारे जो हैं परेशान होते होंगे, तो ये बता दूं कि आप किस तरीके से निकलवा सकते हैं, तो आप इजीली निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो, आपके सामने एक आर्डर भी लगा देता हूँ। तो ये BTC काफ़ी नीचे आ गया है, इसकी रीज़न मैं बताता हूँ अगले वीडियो में। यहाँ पर देखें, इतना नीचे आ गया है कि बहुत ज़्यादा ही नीचे आ चुका है। खैर, अभी आर्डर लगा देते हैं बाइक के ऊपर। तो आपने इतना बड़ा, अगर आपके पास लो बैलेंस है तो इतना बड़ा ना लगा लेना। ठीक है, क्योंकि ये भी एक होती है बात, वो मैंने मेथड वगैरह बताए हैं। ठीक है, बाइक के ऊपर लगा दिया, देखते हैं हमारे साथ क्या करता है थोड़ी देर में। तो यहाँ पर देखें कि हम इसको
इतनी प्रॉफिट ले लेते हैं, क्या ख्याल है फ्रेंड्स? बहुत है इतनी, या $50 कर लें? तो फ्रेंड्स काम अगर आप मार्केट को ध्यान से देखकर करते हैं, आपके पास बैलेंस भी अच्छा खासा है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले सकती हैं कि लोग भी परेशान हो जाएं, जिनके ब्रोकर भी परेशान हो जाए। पाकिस्तान में ऐसे कितना जा रहा है ये, ठीक है? तो देखें यहाँ पर BTC बहुत फ्लक्चुएट होता है, आपने ऐसे पंगा नहीं ले लेना। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, बैलेंस मतलब कि आपके पास अवेलेबल है काफ़ी अच्छा, तो फिर आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हम क्लोज करने की ट्राई करते हैं, कि हम ऐसे करते हैं कि जब मार्केट थोड़ी सी टेक प्रॉफिट के ऊपर लगाते हैं, टेक प्रॉफिट लगाते हैं। हमारा ऑर्डर था 325 के ऊपर, तो हम लगा लेंगे 340 के ऊपर, तो वैसे ही ऑलरेडी वो ऊपर चला गया है 300 400। खैर दोबारा से लगवाना पड़ेगा, मार्केट फिर से नीचे आ गई है। चलो फ्रेंड्स मैंने थोड़ी सी पॉज की है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को भी पता चल जाए कि कैसे वो आपने करना होता है, कि 400 यहाँ पर हम कर लेते हैं 400, एंड जब मार्केट चली जाए 450 के करीब, ठीक है, तो खुद ब खुद क्लोज़ हो जाए। तो अभी आपके सामने इंशाल्लाह ये क्लोज़ हो जाएगी, तो आपके सामने ये प्रॉफिट आ जाएगी मेरे अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही ये टच होगी, देख लें ये टच हुई और मार्केट क्लोज़ हो चुकी है, ठीक है, अभी भी लगा सकता हूँ। चलो इस बहाने से थोड़ा बहुत आपको, इससे भी आपको नॉलेज वगैरह मिल गया होगा कि आपने कैसे जो है टेक प्रॉफिट को कैसे सिलेक्ट करना होता है और कैसे लगानी होती है। अलबत्त अगर आपके पास बैलेंस कम हो तो आपने BTC के ऊपर नहीं लगानी, ठीक है? अगर आपके पास 500 से ज़्यादा, फिर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, वो भी 0.01 के हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस वगैरह दोनों ही लगाया करें, ठीक है? अगर $1 कम हो जाते हैं प्रॉफिट, तो आप मार्केट को फिर से देखें किस तरफ जाने वाली, किस तरफ मूवमेंट इसकी होने वाली है, तो उस हिसाब से लगाएं। अभी इसने और गिरना है, ठीक है, मार्केट और गिरेगी, तो मैंने वो इसलिए लगाया क्योंकि थोड़ी सी अभी ये पंप होनी थी, तकरीबन ये और मज़ीद ऊपर जाएगी। यहाँ पर देखें कि मैंने 450 के ऊपर लगाया था, तो अगर मैं रुक जाता तो अभी अभी प्रॉफिट जो मेरी हो जानी थी वो काफ़ी अच्छी खासी हो जानी थी, मतलब कि $20 से $30 तक हो जानी थी। खैर फ्रेंड्स ये तो एक पर्सनल बात है कि आपने कैसे करना है, ट्रेडिंग वगैरह कैसे करनी है, ये तो मैंने बस ऐसे ही लगा दी आप तो लोगों को दिखाने के लिए। अलबत्त आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप कर सकते हैं, अपनी विड्रॉ करवा सकते हैं, आसानी के साथ करवा लें, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेटिव और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से फ्यूचर में आने वाली हर वेबसाइट के बारे में इंशाल्लाह बताऊँगा, तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।